हाँ तो प्यारे बच्चों, आज करते हैं प्रोजेक्टाइल के ऊपर कुछ बढ़िया क्वेश्चंस। करें बच्चों? ठीक है, तो रेडी। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है, अ प्रोजेक्टाइल इज, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है बट बढ़िया क्वेश्चन होगा। कह रहा है कि अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल थीटा विद होरिजोनटल फ्रॉम ओ। तो ये ग्राउंड है, यहाँ से फायर कर दिया गया, ठीक है, किसी वेलोसिटी यू से फायर किया गया होगा थीटा एंगल पर। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल विद थीटा विद होरिजेंटल, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ओ। चलो भाई, ओ पॉइंट से यहाँ से फायर कर दिया गया। नेगलेक्टिंग द एयर फ्रिक्शन इट हिट्स द ग्राउंड एट बी आफ्टर 3 सेकेंड्स। तो यहाँ से जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और ये 3 सेकेंड में, टी इक्वल टू 3 सेकेंड में ग्राउंड को हिट कर देता है। वॉट इज द हाइट ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम द ग्राउंड? अच्छा, तो ये क्या कर रहा है कि भाई यहां से, एक्चुअली क्वेश्चन में यहां से इसको टारगेट बना रहा है। क्या किया इसने कि भाई इसको थीटा एंगल पर टारगेट करके, थीटा एंगल पर टारगेट किया यहां पर, आप देखेंगे यहां पर, तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट ए। तो क्वेश्चन ये है बच्चों, थीटा एंगल पर इसने फायर किया किसी वेलोसिटी से, और यहां पर पहुंच गया बी पॉइंट पे, जाके हिट कर रहा है 3 सेकंड में, 3 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो आपको हाइट बताना है ए का, तो आपको क्या बताना है, हाइट बताना है ए का। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल थीटा विद अ हॉरिजॉन्टल, अच्छा फिगर दे रखा है आपको ये वाला, नेगलेक्टिंग एयर फ्रिक्शन इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर 3 सेकेंड एट बी, ठीक है, ओके। वॉट इज द हाइट ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ग्राउंड? तो आपको हाइट बताना है इस पॉइंट का, ठीक है, ये डायग्राम आपको गिवन है, बताओ ये हाइट क्या होगी, बताओ बच्चों क्या होनी चाहिए, व्हाट डू यू थिंक, क्या हाइट होनी चाहिए, बताओ जल्दी से, सोचो, ट्राई करो, 30 सेकेंड आपको ट्राई करने के लिए, जल्दी सोचेंगे। क्या लगता है? चले, तो चलो यहां पर देखते हैं भाई। देखो भाई, बहुत मजे की बात बताता हूं, एक एक बंदर वाला भी क्वेश्चन बनता है, बंदर वाला भी क्वेश्चन बनता है यहां पर, ऐसा ही बनता है कि आपने एक बंदर को टारगेट किया, ठीक है, यहां से टारगेट किया, और होता क्या है कि भाई बंदर को टारगेट किया यहां पर, एक बंदर वाला क्वेश्चन भी अपनी बुक में से करना, तो यहां से टारगेट किया, टक गोली चला दी, टक किसी वेलोसिटी से जा रहा है, टक बंदर को लगता है कि भाई यहां गोली आ रही है, मैं तो मर जाऊंगा, वो नीचे कूद जाता है। और होता क्या है कि जितने टाइम में वो यहां से यहां आता है कहीं पर, उतने टाइम में यहां चला जाता है और वो मारा जाता है। ये बंदर वाला क्वेश्चन ट्राई करना। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है प्यारे बच्चों, ठीक है, इसको भी प्रूफ किया जा सकता है, मैं आपको इसका रिजल्ट बता रहा हूं। जितना टाइम प्रोजेक्टाइल को यहां से यहां तक आने में लगेगा, ध्यान रखना, उतना टाइम यहां से किसी भी चीज को अगर आपने ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप कर दिया, ठीक है, तो उसको यहां से नीचे गिरने में लगेगा। बिल्कुल सही बात है, जितना टाइम उस प्रोजेक्टाइल को यहां से यहां पर आने में लगेगा, उतना टाइम, ठीक है, उतने टाइम में अगर यहां पर कोई चीज रखी होती है तो वो यहां से यहां तक गिर जाएगा, ठीक है। बंदर वाले क्वेश्चन में ये प्रूफ भी करते हैं, ठीक है, किसी का मन हो कर सकता है घर में। तो भाई प्यारे बच्चों, तो यहां से अब देखो, यहां और कुछ दी गिवन तो है नहीं, ठीक है, तो हम ये वाला रिजल्ट अगर यूज करें तो सेकेंड्स में क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक
ठीक है, नहीं तो थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा और कोई बात नहीं। तो भाई ए बी यहां पर, तो यहां पर होगा क्या, ए बी विल बी क्या, ए बी ए टू बी के लिए लगा दूं मैं तो यू क्या होगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां ए टू बी के लिए लगा रहे हैं तो यू आ जाएगा यहां पर जीरो, ए की जगह माइनस का जी, यानी कि माइनस 9.8 रख सकते हैं, नहीं तो सिंपलिसिटी के लिए 10 रख दो, चलो मैंने 10 मान लिया, ठीक है 3 सेकेंड है, चलो 9.8 ही ले लेते हैं, नहीं तो एरर थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा। तो 9.8 रख लिया मैंने, अभी देख लेंगे, ओहो टाइम दे रखा है यहां पर 3 सेकेंड, चलो भाई रख दो यहां पर। तो ये माइनस एच, एस की जगह पे माइनस का एच आपको करवाया था, यहां पर यू इंटू टी 3 आ गया, प्लस हाफ माइनस का 9.8 और टी 3 का स्क्वायर, बस इसको सॉल्व कर लो। तो माइनस एच, चलो 10 ले लूं क्या, चलो 10 ले लेता हूं इसको, तो 10 ले लेता हूं, उससे थोड़ा सा आसान बन जाएगा, तो 10 ले लिया, तो ये आ गया 5, तो ये आ गया लगभग 45 मीटर, तो यानी कि एच इज इक्वल टू 45 मीटर, अप्रोक्सीमेटली लिखना चाहिए मुझे, अप्रोक्सीमेटली लिखना चाहिए मुझे, मुझे अप्रोक्सीमेटली लिखना चाहिए, क्योंकि मैंने जी की वैल्यू 10 ली है इसलिए। तो यहां पर आपको याद रखना चाहिए एक बहुत अच्छी चीज, ठीक है, थैंक यू, कि भाई जितना टाइम इस प्रोजेक्टाइल को यहां तक पहुंचने में लगेगा, उतने टाइम में कोई बॉडी को अगर ड्रॉप कर देंगे तो वो नीचे गिर जाएगा उतने टाइम में। सही बच्चो, तो ये बन गया क्वेश्चन, ठीक है, तो समझ में आ गया। एक एक टारगेट है यहां पर कोई, इसको मान करके फायर किया, टक जा रहा है टक, ठीक है, और ये यहां से गया 3 सेकंड में, इसके बॉटम पे गिर गया जा करके। तो आपको बताना है इसकी हाइट कितनी होगी, किसको टारगेट किया गया था, आपको ना तो थीटा पता है ना यू पता है, बट आपने शिकार कर दिया इजली कि भाई जितना टाइम इसको यहां से यहां तक लगेगा जाने में, उतने टाइम में अगर किसी बॉडी को ड्रॉप किया तो वो नीचे तक गिर जाएगा, समझे, बहुत बढ़िया। तो अब हम चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, चले कुछ बहुत बढ़िया क्वेश्चन करना चाहेंगे आज हम, ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। भाई 30 मीटर पर सेकेंड से एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर दिया गया है, तो टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन मतलब थीटा की दो वैल्यूज आएंगी, वो दोनों आपको बताना है, सो दैट द होरिजोंटल रेंज इज 45 मीटर, ताकि आर हो जाए 45 मीटर। आपको बोला हुआ है जी यहां पर 10 यूज करने के लिए, तो हम 10 ही यूज करेंगे, फिर जो बोला है वही करेंगे। क्वेश्चन समझ में आया, समझो कि एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया किसी एंगल पर, तो वो दो एंगल बताओ, दो एंगल पर वो दो एंगल कौन से होंगे जिसपे कि फायर किया जाए इतने वेलोसिटी से, भाई तो हॉरिजॉन्टल रेंज इतना हो, वो कौन से दो एंगल है कि दोनों एंगल से अगर फायर करोगे इस स्पीड से तो ओरिएंटल रेंज दोनों ही केस में इतना आएगा, बताओ, समझे क्या, समझे क्या। ऐसे फायर कर दिया गया, यू वेलोसिटी दे रखी आपको 30 मीटर पर सेकेंड, थीटा थीटा एंगल बनाते हुए, और यहां चला गया, तो किस एंगल से फायर किया गया, बल्कि दो एंगल आएंगे, तो कौन से वो दो एंगल है जिसे फायर किया जाए तो ओरिएंटल रेंज सेम होगा, ठीक है। चलिए, तो एक एंगल अगर निकाल दिया तो दूसरा आप निकाल देंगे, मैंने इसका हिंट दिया हुआ है पहले। ये दोनों एंगल जो होंगे थीटा वन और थीटा टू, ये कैसे होते हैं बच्चों, ये एक एंगल हो गया थीटा वन और दूसरा क्या हो गया थीटा टू, ये दोनों एंगल कैसे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। एक एक अगर थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होता है, आपको बताया था। तो अगर इन दोनों एंगल पे आप थ्रो करेंगे तो भाई हॉरिजॉन्टल रेंज सेम ही रहेगा, ओके। तो प्यारे बच्चों चले यहां पर हम लिख देते हैं, आर का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी होता है ये वाला फॉर्मूला,
चलो यहां से हम निकालते हैं थीटा, तो आर की वैल्यू पता है आपको 45 है जी, यू पता है 30, उसका स्क्वायर कर दो, साइन 2 थीटा ऐसे रहने दिया, करेंगे भी, जी की वैल्यू 10 बोला 10 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 900, आएगा 900 बिल्कुल आएगा, तो यहां पर 45 इंटू 10 इज इक्वल टू 900, ठीक है, साइन 2 थीटा, तो इससे ये गया, देख रहे हैं आप, इससे ये गया 2, इधर चला गया, तो साइन 2 थीटा आ जाएगा यहां पर हाफ। क्या आप लोग सहमत हैं इस बात से कि साइन 2 थीटा की वैल्यू हाफ होगी? खुद करो कैलकुलेशन, बताओ मुझे साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी? हाफ होगी। इज इट ओके? क्या सभी लोग सहमत हैं इस बात से साइन 2 थीटा की वैल्यू हाफ होगी? ठीक है, अब आप यहां से आराम से निकाल सकते हैं साइन की वैल्यू हाफ कब होती है, 30 डिग्री पे, तो यहां पर 30 डिग्री पे, तो यहां पर क्या होगा, हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, तो दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो 2 थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो थीटा कितना आ गया 15 डिग्री, 15 डिग्री आ गया भाई, तो 15 डिग्री पे एक एंगल तो हो गया 15 डिग्री भाई, 15 डिग्री, दूसरा एंगल क्या हो गया थीटा 1 हो गया 15 डिग्री, थीटा 2 क्या होगा 90 माइनस थीटा, ये थीटा, थीटा 1 इक्वल टू थीटा इतना, थीटा 2 आ जाएगा इतना माइनस थीटा, तो भाई यहां पर घटा दो 90 माइनस 15 घटा दो, 90 में से 15 घटा दो क्या आएगा बच्चों बताओ मुझे, 75, ओके 75 डिग्री, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर दो प्रोजेक्टाइल को, ठीक है, थ्रो करोगे तो दोनों का हॉरिजॉन्टल रेंज बिल्कुल सेम होगा। क्या ये बात क्लियर है? किसी बच्चे को डाउट, दिक्कत जरा भी, किसी बच्चे को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम, समझ में आ गया, क्लियर में, कंफर्म में? ठीक बच्चों, सबको सही? चलिए फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, आपके लिए एक और बढ़िया क्वेश्चन लाते हैं, तो देख लो कैसे होता है। आपको ये रिजल्ट करवाया था, प्रूफ करवाया था जब मैंने थ्योरी की क्लास ली थी, ठीक है, अगर कोई बच्चा भूल गया हो तो वो वीडियोज देख सकता है। चलो चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहाँ है भाई, अगला क्वेश्चन, अगला 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 आपको करवाते हैं। पहले एक क्वेश्चन बढ़िया सा एनसीईआरटी से। तो भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन करवाऊंगा, एनसीईआरटी का होगा, ये एनसीईआरटी से है ये क्वेश्चन, और ये क्या कहता है देखो, क्वेश्चन ये है, अ फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1.5 किलोमीटर। अच्छा जी, ये धरती है, ये धरती है, ये रहा ऊपर आसमान है। चलिए फाइटर प्लेन ऐसे जा रहा, ऐसे जा रहा, ऐसे जा रहा, फाइटर प्लेन हॉरिजॉन्टली जा रहा है, ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, और वो किस हाइट पे उड़ रहा है, ये हाइट दे रखी है आपको, और वो हाइट दे रखा है 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर की हाइट पर वो उड़ रहा है, बहुत बढ़िया। और किस स्पीड से वो जा रहा है फाइटर प्लेन, 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो क्या हमें, हम इसको मीटर में बदल सकते हैं बच्चों? पहली बात यही है, अभी देखते हैं, पहले मीटर बदल ही लेते हैं। चलो तो सबसे पहले इतना, ये तो हाइट हो गया एच, तो ये हो गया ओ, 1500 मीटर हो गया भाई, ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर में बदल गया, ये हो गया एच। इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, ठीक है बच्चों, तो कैसे करेंगे बताओ जल्दी से, क्या 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, बताओ सभी लोग बदलो, तो 720 किलोमीटर पर आवर को बताओ, ये वेलोसिटी ऑफ प्लेन है, कॉन्स्टेंट है ये, सभी लोग चेंज करो जल्दी से, 720 किलोमीटर को मीटर में बदलो, 1000 से
मल्टीप्लाई भाई इतना मीटर आ गया, किलोमीटर को मीटर में बदला, और ये 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड आ गया, तो एक दो वही, और यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 5, तो मैं बता रहा था आपको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधे ही, तो ये इतना मीटर पर सेकेंड आ जाता है। आपको एक जैसी यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जी की बातें होती है, 9.8 या 10 होती है, समझ रहे हो, तो ये मीटर पर सेकंड में है, तो आपको ये सारा यूनिट मीटर और सेकंड वगैरह में करना पड़ेगा, एसआई सिस्टम में, एमके सिस्टम में करना पड़ेगा। तो इसको करोगे तो 4 आएगा 0, और ये आ जाएगा 200 मीटर पर सेकंड। सो द वेलोसिटी ऑफ द प्लेन विल बी 200 मीटर पर सेकंड। सो द वेलोसिटी ऑफ द प्लेन विल बी कितना, 200 मीटर पर सेकंड। बताओ किसी को दिक्कत, जरा सा भी दिक्कत है तो बताओ बच्चों, 200 मीटर पर सेकंड से उड़ रहा है, तो ये क्या आ गया, 200 मीटर पर सेकंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ प्लेन एंड द प्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, द प्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली। ओके, क्या यहां तक क्लियर है, पहली बात यही बता दो। अभी तक क्वेश्चन में क्या है, 1.5 किलोमीटर की हाइट पे इस स्पीड से प्लेन हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है, क्या ये बात क्लियर है। चलो मैं आगे पढ़ता हूं, यूनिट भी कन्वर्ट कर ही लिया, ठीक है जी। अच्छा जी, पासेज डायरेक्टली ओवर हेड एन एयरक्राफ्ट गन, तो मान लो यहां पर एयरक्राफ्ट गन है, यहां पर G4 गन, इसके ठीक ऊपर से वो जा रहा है यहां पर, मतलब T=0 पे वो यहां पर है, ठीक है, प्लेन यहां पर है T=0 पे, ध्यान देना, प्लेन यहां पर है T=0 पे, अब वो इधर की तरफ जा रहा है, अपनी इस वेलोसिटी से इधर जा रहा है, इसके ऊपर से गुजर रहा है। ओके, अरे भाई वाह क्या बात है। अच्छा जी, एट व्हाट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल शुड द गन बी फायर्ड फ्रॉम द शेल विद मजल स्पीड। अब मैं इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं, आपका कन्वर्जन हो गया तो ये पता चलेगा। अब बोल रहा है किस एंगल पर इसको फायर किया गया। अब एक चीज बताओ कि अगर मान लो उसको मारना है, प्लेन को मार गिराना है बुलेट से, तो भाई यहां से इधर जा रहा है और ऊपर में फायर कर दिया, ऊपर में फायर कर दिया, तो आपको क्या लगता है प्लेन में हिट हो जाएगा क्या, पहले यही बताओ, क्या हिट हो जाएगा प्लेन में, क्या प्लेन में हिट हो जाएगा आपको लगता है, कहा गया भाई इसका क्या। हाँ, अगर मान लो, मैं ये बता रहा हूं, इसके ऊपर से गुजरा और यहां से अगर फायर कर देते तो क्या हिट होता, नहीं, जब तक ये इधर की तरफ जाता ये आगे जा चुका होता, भाई जितने टाइम में ये 1500 मीटर ऊपर जाता उतने टाइम में ये यहां कहीं जा चुका होता, तो ये भी चालाक है भाई, शिकारी है भाई, ये भी चालाक होते हैं। इन्होंने क्या किया, सीधे ऊपर मारने की जगह पे किसी एंगल पर ऐसे मार दिया, किसी एंगल पर मार दिया ऐसे, तो भाई किसी एंगल पर मार दिया बच्चों, मान लो ये थीटा एंगल पर फायर कर दिया, ये यू और ये थीटा एंगल पर फायर कर दिया, सही है, थीटा एंगल पर फायर कर दिया। ओके, अच्छा जी, तो ये भी पूछा है, क्या पूछा है, कहां गया क्वेश्चन, कहां गया, हाँ, एट व्हाट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल, वर्टिकल के साथ किस एंगल पर फायर करेंगे। अच्छा जी, एट वॉट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल शुड द गन बी फायर्ड फ्रॉम द शेल विद मजल स्पीड, और इसकी स्पीड दे रखी है कितना, 600 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से फायर किया गया टू हिट द प्लेन, टू हिट द प्लेन, यहां पर हिट हो जाता है ये बोला है, तो ये P' पॉइंट पे आते आते हिट हो गया, और कोई टाइम लगा होगा T=T, हमें क्या पता, T=0 पे यहां था, T=0 पे ये फायर भी कर रहा है और यहां पर जाके हिट भी हो गया, हिट हो गया। एट व्हाट मिनिमम एल्टीट्यूड शुड द पायलट फ्लाई द प्लेन टू अवॉइड, अच्छा जी वो भी करेंगे, पहले ये वाला पार्ट का शिकार करते हैं, पहले ये वाला पार्ट, दो पार्ट है इसके, एक तो ये पूछ रहा है कि किस एंगल पर ये फायर करे इस स्पीड से कि हिट हो जाए, दूसरा कि भाई कितनी हाइट पे, कम से कम कितनी हाइट पे ये पायलट फ्लाई करे कि भाई उसको हिट ना हो कभी, तो हाइट वाला करेंगे पहले, जरा
एंगल की बात करते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट, पहले एंगल की बात हो रही है तो भाई एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं, यू ही कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, बहुत आसानी से करना चाहते हो ना, बहुत आसानी से करेंगे। टक 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 टक। चलो भाई, पहले इस स्पीड को मैं दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करता हूं, आई विल ट्राई टू अवॉइड फॉर्मूले। तो यहां पर देखो, इसको मैं रिजॉल्व करूं तो दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा बच्चों इधर की तरफ, एक होगा इधर। ये जो बुलेट फायर किया वो एक प्रोजेक्टाइल की तरह होगा, ठीक है, प्रोजेक्टाइल की तरह। इसके दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लो, एक कंपोनेंट इसके इधर होगा, दूसरा कंपोनेंट इधर। तो इधर होगा 600 cos थीटा और इधर होगा 600 sin थीटा। समझे बच्चों, जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ cos आता है, और जिसके साथ एंगल आपने शो नहीं किया उसके साथ sin आता है। समझे, इसको ये x एक्सिस के अलोंग है तो मैं इसको बोलूंगा ux, और ये y एक्सिस के अलोंग है तो इसको मैं बोलूंगा ui। बहुत बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या आपको ये कंपोनेंट में रिजॉल्व करना आ गया बच्चों, कि भाई बुलेट फायर किया गया है, ठीक है, तो उसका कुछ कंपोनेंट इधर होगा और कुछ इधर होगा। सही बात है, बहुत बढ़िया। तो भाई टी टाइम है, टी इक्वल टू जीरो पे इसने फायर किया, टी इक्वल टू जीरो पे यहां से गुजरा ये। तो टी टाइम में जितने टाइम में ये प्लेन यहां से यहां तक पहुंचा, उतने टाइम में ये प्रोजेक्टाइल इतनी हाइट पे भी गया और इतना डिस्टेंस भी गया इधर। उतने टाइम में ये जो बुलेट है उसने हॉरिजॉन्टली इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया और वर्टिकली इतना किया। समझ रहे हैं बात को, जितने टाइम में भाई ये यहां पर पहुंचा, ये भी यहां पर पहुंचा, तभी तो हिट हुआ। कोई एक पहुंच जाता, दूसरा नहीं पहुंचता तो क्या हिट हो जाता क्या? नहीं होता। तो जितने टाइम में ये बुलेट यहां पर पहुंचा, ये भी यहां पहुंचा। ये बुलेट यहां पहुंचने का मतलब क्या हुआ? बुलेट की हाइट इतनी बढ़ गई भाई, और हॉरिजॉन्टली भी इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। समझे, तो अब मैं आसानी से कर लेता हूं। देखो, तो अगर मैं बात करूं प्लेन के लिए, तो फोर प्लेन PP' इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इस स्पीड से टाइम टी में। तो भाई स्पीड क्या होता है भाई? स्पीड होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, ठीक है, या वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम बोलना चाहिए मुझे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी है प्लेन की? वीपी। कितना टाइम लगा भाई यहां जीरो से लेके टी टाइम में पहुंच गया, यानी कि 200 MK सिस्टम में इनटू टी, ये हो गया PP'। तो प्लेन के लिए हमने कर दिया काम खत्म। तो प्लेन भाई इतना डिस्टेंस टी टाइम में कवर करने वाला है, कोई दिक्कत? ठीक है भाई, हमें नहीं पता, कोई टेंशन नहीं है। तो भाई प्लेन के लिए तो पहले कर दिया, अब मैं बात करता हूं प्यारे बच्चों बुलेट के लिए। किसके लिए बात करता हूं? बुलेट के लिए, कि बुलेट ने कितना किया। तो फोर बुलेट, अरे बुलेट। तो बुलेट के लिए मैं बात करूंगा, बुलेट के लिए यहां से यहां तक, तो भाई इसको मान लिया एक्स एक्सिस और इसको मैंने मान लिया वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग हम लगा देते हैं फॉर्मूला। तो भाई एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एक्स एक्सिस के अलोंग। तो ये यहां से यहां तक हो गया जी एक्स बोल दो, या ये भी क्या है पी एक्स ही है, पीपी डैश ही है, पीपी डैश बोल दो या जी एक्स बोल दो, एक ही बात है। तो इसको भी मैंने पीपी डैश ही बोल दिया रे। एक्स एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट कितना है? 600 cos थीटा, नहीं sin थीटा भाई, sin थीटा है। तो यहां पर आ गया इतना, समझ में आया क्या? एक्स एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट इतना है, तो हमने ये लिख दिया। टाइम पता नहीं है, और एक्स एक्सिस के अलोंग आपको पता है एक्सेलरेशन जीरो होता है। एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो होता है। एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो होता है। एक किसी भी प्रोजेक्टाइल का हमने खूब सीखा है भाई, ठीक है, ये। तो यहां पर ये तो जीरो हो गया, खत्म भाई जीरो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पीपी डैश यहां से क्या मिला आपको? 600 साइन थीटा इंटू टी, ये आ गया इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन नंबर टू, चलो अब ये इक्वेट कर दो, कैसे भी कर लो, बस खत्म बात। इक्वेट कर दो, कैसे भी कर दो। चलो भाई,
तो फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू। सर ये 1.5 किलोमीटर की जरूरत नहीं पड़ी सर, क्या करें, नहीं पड़ी तो नहीं पड़ी, नहीं पड़ी तो नहीं पड़ी। ऐसे ही मुझे लग रहा आ जाएगा आंसर। तो भाई यहाँ पर आ गया 200 टिक और यहाँ पर क्या है भाई 600 साइन थीटा इंटू टी। टी से टी कट के मर गया, दो जीरो से दो जीरो भी गया, ऐसे ही कट रहा था, ये तो थ्री और ये वन, तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू, या जीरो नहीं वन बचा है, 1/3। क्या ये सभी को समझ में आ गया? साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 1/3। तो अब दो तरीके होते हैं थीटा, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से लिख देख के लिख दो, या फिर हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। बताओ बताओ, कोई डाउट है तो बताओ बताओ। बताओ बच्चों, कोई दिक्कत? तो भाई अगर इतने एंगल पर फायर करता है इस स्पीड से, तो जाके हिट कर देगा, जाके उसको हिट कर देगा और इसका काम खत्म। ठीक है, तो कितना आसानी से सॉल्व कर लिया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था ये और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब मुद्दा ये उठता है कि इसमें एक और पार्ट था कि ये कम से कम कितनी हाइट पे प्लेन को उड़ाए कि ये कभी हिट ना कर पाए। ठीक है, मैक्सिमम हाइट वो, बस आपको इसका मैक्सिमम हाइट निकालना है, उससे स्लाइटली ऊपर भी होगा तो भाई हिट नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए मैक्सिमम हाइट, अब तो थीटा मिल गया ना, तो मैक्सिमम हाइट निकाल लो ना यार, समझता नहीं है बात को। लेकिन थीटा को किसके साथ है? वर्टिकल के साथ है, ध्यान रखना, यहां गलती कर देते बच्चे। तो भाई मैक्सिमम हाइट और इस प्रोजेक्टाइल का, इस बुलेट का क्या होगा? ठीक है, ये तो उड़ रहा है साइड पे, ये नहीं बोला कि मैक्सिमम हाइट है, यहां यहां गड़बड़ कर दोगे। ये बोला है कि भाई प्लेन उड़ रहा है 1.5 किलोमीटर की हाइट पे, ये नहीं गिवन है कि भाई इस प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट है, नहीं। तो प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट का हमने कुछ यूज भी नहीं किया भाई, हाँ नहीं, ये नहीं गिवन है, ये गिवन है उड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, उड़ रहा है, अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी। चले तो भाई इसका मैक्सिमम हाइट निकालो इस बुलेट का, क्या हो सकता है इस एंगल पर। ठीक है, तो चलो भाई फिर बच जाएगा, चलो भाई करते हैं। तो भाई एच मैक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, मैक्स क्या होता है उसका फॉर्मूला, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इक्वेशन नंबर 1 2 मान लिया, तो इसको 3 मान लेता हूं, 4 भाई ऐसा। तो भाई हमें थीटा नहीं चाहिए, साइन थीटा चाहिए रे, ये लिख देंगे। तो यहां पर यू की जगह पे क्या लिखोगे, 600 भाई स्क्वायर लगा दो यहां पर, साइन थीटा 1/3 उसका स्क्वायर कर दो, नीचे है 2g है आपका, 9.8 लोगे तो ज्यादा एग्जैक्ट आएगा, 10 लोगे तो स्लाइटली, तो मैं तो 9.8 नहीं 10 लूंगा, जी की जगह 10 लूंगा। ठीक है, चलो भाई इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो आएगा आएगा बच्चों, और क्या कर सकते हैं। तो ये आ गया 3600, 4 जीरो आ जाएगा बल्कि, ओके। तो यहां पर डिवाइडेड बाय 2 और यहां पर आएगा 1/9 और ये 10 भी है, एक जीरो ये गया, यहां से गया 18, 1 2 3 एक दो तीन और यहां से एक और यहां पर गया 2, 1 2 0। तो अरे ये क्या दिख रहा है मुझे भाई, 200 मीटर क्यों दिख रहा है मुझे, अरे भाई 200 मीटर क्यों दिख रहा है मुझे, क्या आपका भी आंसर यही आ रहा है? चेक करो चेक करो, 2000 है या 200 मीटर आएगा, क्या आएगा भाई, क्या आएगा, कितना आएगा भाई, कहाँ गया, 2000 आएगा, 2000 आएगा ना, 2000 आएगा, 2000 आएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो 2000 आएगा यहाँ पे, एक जीरो, हाँ छोड़ना मत कोई, ओके। 2000 मीटर की अगर हाइट पे वो उड़ाए प्लेन को, तो भाई बच जाएगा, उससे नीचे थोड़ा सा भी नीचे हुआ तो भाई गया, हाँ इसे स्लाइटली भी ऊपर हुआ तो भाई बच जाएगा वो। तो सभी सहमत हैं इस आंसर से, सभी को समझ में आ गया, किसी को दिक्कत तो नहीं बच्चे हो, बताओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये।
ओके, क्लियर है ये सारी बात? क्या ये समझ में आ गया आप लोगों को? चले, अब हम चलेंगे आगे। चलो ठीक है, चले तो आंसर मिला लेते हैं भाई। अगर आप जी की वैल्यू, ओहो गड़बड़ कर दिया ना भाई, गड़बड़ कर रखा है यहां पर, गड़बड़ कर रखा है यहां पर, घोटाला कर रखा है। मैं उस समय वार्निंग दे रहा था आपको कि ये थीटा कहां लिया आपने, ये वाला फॉर्मूला जो होता है, यहाँ गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ करते हैं बच्चे। और मैं बता भी रहा था आपको क्वेश्चन करने से पहले कि ये थीटा वर्टिकल के साथ है और ये जो होता है ये हॉरिजॉन्टल के साथ होता है ये गड़बड़ था। तो यहां पर ये हॉरिजॉन्टल के साथ होता तब ये एच मैक्स आता, समझ रहे हैं आप? यहां पर गड़बड़ था भाई, यहां पर गड़बड़ था। हाँ तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, समझो? तो यहां पर ठीक है, समझ रहे हो? तो ये मैंने थीटा डैश बोल दिया, ये थीटा डैश है। तो यहां पर आप लिखेंगे तो थीटा क्या आएगा, ये वाला, समझे? तो यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं इसको, ये थीटा डैश मान लिया, ये थीटा डैश अगर है तो ये थीटा डैश वाला फॉर्मूला। तो ये थीटा कुछ और है बच्चों, कुछ और है, ये वर्टिकल के साथ एंगल है। तो हमने क्या लिखा था, मैंने आपको केस भी करवाया था, थ्योरी में भी करवाया था, वो यूज करना चाहिए आपको, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, स्क्वायर को ऐसा लिख देता हूं, चलो ऐसा लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है, 90 माइनस थीटा लिखना चाहिए मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो यहां पर ये आ गया थीटा डैश, मैंने बोल दिया तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला लगा दिया, तो थीटा डैश इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो अब बाकी तो ये ऐसे ही रहेगा, तो यहां पर आएगा यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा, क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा। तो यहां पर आएगा कॉस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लो, अपॉन में 2g। तो ये आएगा एच मैक्स, ये क्या आएगा, एच मैक्स आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को, समझ में आया सभी को? तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। एच मैक्स क्या आएगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ओके बोलो, कोई दिक्कत, समझ में आ गया? अब यहां पर रखना पड़ेगा तब आएगा आंसर, देख लो। गड़बड़ हो जाता, अरे घोटाला हो जाता, ला 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 ला। चलो भाई रखते हैं। तो यहां पर एच मैक्स जो आएगा, यू स्क्वायर 600 का स्क्वायर फिर से आ जाओ, कॉस कितना है यहां पर, अब कॉस थीटा, अगर साइन थीटा है तो क्या कॉस थीटा नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, कितना, √8/3। अच्छा ओके देख लो, अरे भाई देखो देखो देखो, छोटी सी बात, ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये ऐसा आ जाएगा, ओहो, ऐसा पाइथागोरस लगा देंगे यहां पर, तो ये आ जाएगा √9 माइनस वन, याद है 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 8 आ गया ये। तो ये थीटा अगर है तो ठीक है, कोई भी थीटा ट्रायंगल से ऐसे लगा दिया, तो यहां से कॉस थीटा क्या मिलेगा, बेस √8 अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर रख दो कॉस थीटा की वैल्यू, रख दो तो कैसे भी निकालो, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लगाओ कोई भी, तो √8 अपॉन में 3 का स्क्वायर अपॉन में आ गया, अपॉन में आ गया यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर 2g, जी की जगह पे 10 लिख देंगे, जी की जगह क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये आ गया 36,000, और ये आ गया 8, और यहां पर आ जाएगा 2 × 10, और ये आ जाएगा 9। ओ बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, ये तो 4 हो गया, 10 से 10 भी गया, 9 × 36, ठीक है बहुत बढ़िया। और 1 2 3 0 लगा दो, 1 2 3, और ये आ गया 4 × 16, 1 2 3 इतना मीटर। तो एच मैक्स आ गया भाई, एच मैक्स क्या आ गया इतना, यानी कि 16 किलोमीटर लिख सकता हूं इसको, 16 किलोमीटर, सही है 16 किलोमीटर, ये 1.5 किलोमीटर की हाइट पे उड़ रहा था, गया था वो, ठीक है 16 किलोमीटर से जरा सा भी ऊपर उड़ेगा तो बच जाएगा, नहीं तो नहीं बच पाएगा, पक्का नहीं बच पाएगा, पक्का नहीं बच पाएगा।
समझे बच्चों, ये अब ये बिल्कुल करेक्ट है, गलती मत करना, बच्चे गलती करते हैं। तो ये आप, मैं शुरू में भी बताया था जब मैं थ्योरी करवा रहा था तब भी बताया था ये वाला फॉर्मूला कि भाई वर्टिकल के साथ हो तो ये करेंगे, नहीं तो गड़बड़ है, घोटाला है, ठीक है। हाँ चलो फिर अब आपको ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और बढ़िया क्वेश्चन आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा, एक और बढ़िया क्वेश्चन आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाऊं। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, चलो भाई ये भी हो गया, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन है यहां पर, बच्चों मुन्नू वाला करवा देता हूं एनसीईआरटी का, इसलिए प्रोजेक्टाइल से वैसे कोई खास इसका लेना देना तो नहीं है, बट आपको कहीं लगे और आ जाए तो शिकार कर देना। यस जी इज अ कॉन्स्टेंट, डेफिनेटली जी इज अ कॉन्स्टेंट है, जी एक कॉन्स्टेंट है, यस। हाँ भाई चलो बच्चों कहते हैं ये भी एनसीईआरटी का है, फिर आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन का तो शिकार ही हो गया। एन एयरक्राफ्ट फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 3400 मीटर, तो यहां पर एयरक्राफ्ट उड़ रहा है, क्या बात कर रहे हो, यहां पर एयरक्राफ्ट उड़ रहा है भाई, यहां पर तो ये एयरक्राफ्ट उड़ रहा है, बहुत बढ़िया। और ये ग्राउंड है, कितनी हाइट पे उड़ रहा है भाई, कितनी हाइट पे उड़ रहा है, 3400 मीटर हाइट पे उड़ रहा है। An aircraft is flying at a height of 3400 meter above the ground. If the angle subtended at a ground observation point, by the aircraft positions 10 seconds apart is 30 degree. तो क्या कह रहा है कि भाई एयरक्राफ्ट ऐसे जा रहा है और यहां से ऑब्जर्व जब किया जा रहा है, समझिएगा, यहां से ऑब्जर्व जब किया जा रहा है बच्चों, बहुत बढ़िया, तो भाई यहां पर होगा कभी किसी टाइम पर t इक्वल टू जीरो पे, चलते 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 यहां पर आ गया कहीं पर, और भाई यहां पर t इक्वल टू 10 सेकंड पे, 10 सेकंड, 10 ही बोल रहा है ना, हाँ, तो ये पूरा एंगल दे रखा है आपको 30 डिग्री। तो यहां से कोई इंसान ऑब्जर्व कर रहा है, प्लेन ऐसे जा रहा है हॉरिजॉन्टली, भाई प्लेन ऐसे जा रहा है हॉरिजॉन्टली, यहां से ऑब्जर्व कर रहा है, कभी ये इस पॉइंट पे है पी, यहां पर आ गया पी डैश समझो, और तब तक मैं ऑब्जर्व कर रहा है तो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है भाई, 30 डिग्री बना रहा है यहां पर। तो आपको चाहिए क्या, चाहिए क्या, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट, तो ये जो जा रहा है इसकी स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट, इसकी स्पीड क्या होगी, आपको ये बतानी है इसकी स्पीड क्या होगी। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अब मैं रीड करता हूं आपको समझ में आ जाएगा। एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3400 मीटर अबव द ग्राउंड। इफ द एंगल सबटेंडेड एट अ ग्राउंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट बाय द एयरक्राफ्ट पोजीशंस, एयरक्राफ्ट का पोजीशन ये और ये, एंगल सबटेंड कर रहा है यहां पर, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है, ठीक है, 30 डिग्री, ठीक है 30 डिग्री, वॉट इज द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट, ठीक है फिर से पढ़ के सुना रहा हूं, समझ में तो आ ही गया होगा फिर भी। एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3400 मीटर अबव द ग्राउंड। इफ द एंगल सबटेंडेड एट अ ग्राउंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट बाय द एयरक्राफ्ट पोजिशंस 10 सेकेंड अपार्ट इज 30 डिग्री, वॉट इज द पोजिशन ऑफ द एयरक्राफ्ट, तो आपको नहीं सॉरी व्हाट इज द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट, आपको ये बताना है। चलो भाई शिकार कर दो, अब फोटो मिल गया ना आपको, अब शिकार कर दो, फोटो की देर होती है, बस बस बस, ये पोजीशन और ये पोजीशन 30 डिग्री एंगल बना रहा है इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे, एयरक्राफ्ट को यहां से यहां तक जाने में 10 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो आपको बताना है इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड क्या होगी, मैं क्या करूंगा क्या करूंगा, ये तो चुन्नू मुन्नू वाला क्वेश्चन होना चाहिए भाई,
स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, बच्चों वाली बात है ये तो। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई, वेलोसिटी इनटू टाइम होगा ना, होगा ना, बिल्कुल होगा। अब यहाँ से यहाँ तक ये पी पी डैश, पी पी डैश क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम कितना है 10 सेकेंड, हो वाह, तो 10V आ गया भाई। तो ये आ गया पी पी डैश, ये क्या आ गया पी पी डैश आ गया, ये क्या आ गया पी पी डैश आ गया। P से P डैश पहुंचने में आपको 10 सेकंड का टाइम लग रहा है, इतना होगा, कितना होगा, इतना होगा, इज इट ओके और नॉट, समझ में आ गया, खेल खत्म। ये तो एक बात हो गई, यहां से यहां तक ये तो एक बात हो गई है। अब आपको दूसरी बात बताते हैं, अब आपको डिस्टेंस तो मिल गया, अब ये भी पता है आपको। अच्छा ये देखो, एक ट्राइंगल में तो मैं पाइथागोरस लगा सकता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले भी लगा सकता हूं, तो किसी एक ट्राइंगल की बात कर लेता हूं, चलो ये एम पॉइंट मैं मान लेता हूं, चलो इसी की बात कर लेता हूं, इस वाले ट्राइंगल की मैं बात कर लेता हूं, तो ये एंगल होगा 15 डिग्री, कितना होगा ये 15 डिग्री। इस वाले ट्राइंगल में भाई ये भी तो नहीं पता ना, अगर ये पता चल जाए पीपी डैश तो बात बन जाएगी। और पीपी डैश क्या होगा यहां पर, पीपी डैश क्या होगा यहां पर बता दो मुझे, ये इसका डबल होगा, तो ट्वाइस ऑफ एम पी डैश, समझे, ये होगा। अब यहां पर ट्वाइस एम पी डैश इस वाले ट्राइंगल में लगा दो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले लगा दो, इसमें लगा दो, तो भाई इस वाले ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर हो, देखो ये एंगल है तो ये बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज तो ये बेस होगा, इस ये एंगल है तो ये बेस, तो इन ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल में लगा लेते हैं ओ एम, इन ट्राइंगल कौन सा ओ एम पी डैश, तो इस वाले ट्राइंगल में देखोगे तो बेस ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, तो ओ एम अपॉन में ओ पी डैश, और ये आएगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या होता है बच्चों, कॉस 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री होगा। क्या आप लोग सहमत हैं, क्या आप लोग सहमत हैं, तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज ये है, तो यहां से ओ एम क्या आएगा, ओ एम अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ओहो हाइपोटेन्यूज क्यों ले रहे हैं हम लोग, ओह ये मतलब यार ये एक मिनट दिमाग कहीं और चला गया था, तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, हमें ये चाहिए ये पता है, तो यहां पर आना चाहिए एम पी डैश, एम पी डैश अपॉन में बेस है आपका ओ एम, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 10 थीटा होता है, तो यहां पर 10 15 आ गया, तो यहां से बड़ी आसानी से आ जाएगा आपका एम पी डैश, और वो क्या मिलेगा ओ एम इंटू 10 15। अब 10 15 के वैल्यू अगर आपको पता हो तो वेल एंड गुड, किसी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लगा के आप कर सकते हैं, वेल एंड गुड, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से लिख के देखना पड़ेगा। तो यहां पर चलिए जी, ओ एम है आपका 3400 मीटर इंटू 10 15 डिग्री, तो ये आ गया एम पी डैश, एम पी डैश, तो ये यहां पर लिख देंगे क्या होगा 3400 10 15 डिग्री, सही है बच्चों, पी पी डैश। 10 15 डिग्री की वैल्यू क्या है, 10 15 डिग्री की मैं अभी आपको बता देता हूं, 10 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 10 15 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आता है ये, ठीक है, 10 15 डिग्री की वैल्यू ये होती है 0.27 ऑलमोस्ट, अप्रोक्सीमेटली 0.27, तो यहां पर रख सकता हूं मैं 2 × 3400 0.27, तो यहां रख देंगे ये पीपी डैश, रख दो रख दो रख दो, तो ये 10 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो V आएगा पीपी डैश अपॉन में 10, पीपी डैश है ये 2 × 3400 0.27 अपॉन में 10, 10 से ये गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो आपकी बात बन जाएगी। चलो भाई मल्टीप्लाई करो सभी लोग, बताओ कितना आएगा, सभी लोग मल्टीप्लाई करें, करें जल्दी से मल्टीप्लाई करें सभी लोग फटाफट, इतना मीटर पर सेकंड, सभी लोग मल्टीप्लाई करेंगे, एक्टिव भी एक्टिव ना, ठीक है, 10 15 डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से मिलता है बच्चों ये, ठीक है, उसके ऊपर अभी बात करेंगे, वो भी सिखा देंगे आपको, हर साल सिखाता हूँ बच्चों का, आपको भी सिखा देंगे, अभी फिलहाल मान लो क्वेश्चन में दे रखा था 10 15 की वैल्यू ये, ठीक है, ये गिवन है 10 15 डिग्री, ये यूज कर लेना। चलो भाई करो जल्दी से
मल्टीप्लाई करो, कम ऑन डू इट, हरी अप, जल्दी करें। हाँ लगा सकते हैं आप, 10 15 बाई 10 थीटा का फॉर्मूला पता है ना आपको, 10 2 थीटा का फॉर्मूला लगा लो यहाँ पर, ठीक है, 10 2 थीटा का फॉर्मूला लगा लो यहाँ पर, और यहाँ पर ऐसा कर सकते हो, या ऐसा कर लो 10 a - b वाला फॉर्मूला लगा लो, ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा। एक बच्चा बोल रहा है बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पर ऐसे भी निकाल सकते हो आप, 10 15 को आप ऐसा लिख लो, 10 15 को लिख लो आप, जो बच्चा मैथमेटिक्स पढ़ता है 10 60 - 45 वाला फॉर्मूला लगाएं और खुशी मनाएं, ये ए हो गया माइनस ये बी, तो इससे भी आ जाएगा आपका आंसर, बिल्कुल सही आएगा। हाँ भाई, ए 183.6 कई बच्चों का आ रहा आंसर। ओके तो मैं चेक करूं आंसर, ये सही है क्या? ओके तो अब हमने जी की जगह 10 यूज किया है तो 183.6 आ रहा है, 183.6 आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली लिखना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप 9.8 यूज करते हैं तो बिल्कुल 182 कुछ आ जाता, तो वो भी करेक्ट था, ये भी करेक्ट है, बिल्कुल फिट है, मामला हिट है। समझ में आ गया बच्चों? जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं 10 15 ऐसे निकाल सकते हैं, साइन 15 कॉस 15, क्योंकि साइन ए माइनस बी, 10 a - b, सबके फॉर्मूले आपको पता है, ए की जगह 60 डिग्री, बी की जगह 45 डिग्री रखें और फॉर्मूला लगाएं, तब भी आ जाएगा, आप मैच कर लेना, 0.27 आना चाहिए, 0.27 आ जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा, सभी का क्लियर है, कई बच्चों का आंसर आ रहा है, किसी को दिक्कत डाउट बताओ, कोई है तो किसी को जरा सा भी डाउट है इस क्वेश्चन में? चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपको ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भाई एनसीईआरटी के क्वेश्चन का भी शिकार हो गया, आ जाए तो कर देना, बिल्कुल कर देना। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए। ओह टाइम हो गया क्या? टाइम हो गया, चलो भाई टाइम हो गया, नहीं तो और भी कर लेते क्वेश्चन, चले फॉर सम अदर टाइम। जी की वैल्यू 10 ले या 9.8, देखो अगर आप 9.8 लेते हो तो ज़्यादा एग्जैक्ट आता, बट आप सिंपलिसिटी के लिए 10 ले सकते हो, आप सिंपलिसिटी के लिए 10 ले सकते हो, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में दिया है कि 9.8 लेना है, फिर तो तभी तब तो वही लेना है, अगर कुछ भी नहीं दिया कि क्या लेना है क्या नहीं लेना, तो वो आपकी मर्जी है, तो आप डिसाइड कर सकते हो, कन्वीनियंसी के हिसाब से ले सकते हो, ये आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। चलो बच्चों फिर मिलते हैं, ओके बाय, थैंक यू।